civil engineer, creat YouTube channel. Viewers, Advocate Civil 3D में पिछले वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू इंपोर्ट पॉइंट्स और आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट सरफेस. सरफेस को एडवोकेट सिविल 3D में कैसे बनाया जाता है. उस फाइल से जो हम सर्वे करते हैं किसी साइड से, जो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं उसी पॉइंट से हम सरफेस आज बनाएंगे. तो सरफेस के लिए भी सबसे पहले ड्राइंग का सेटिंग होना भी ज़रूरी है. सेम मेथड है जिस तरह पिछले वीडियो में हमने सीखा था. यहाँ से जाएंगे यहाँ पर ड्राइंग यूटिलिटीज, ड्राइंग सेटिंग पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे डेटम सेट करेंगे यहाँ से. तो पिछले वीडियो में हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था WG64 का और आज हमारे पास जो फाइल पड़ा हुआ है वो है एनालॉग का. तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सऊदी अरेबिया को और जोन हमारे पास है एनालॉग 37 नॉट का. तो यहाँ से हम जोन इसका सेलेक्ट करके 37 नॉट और यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देंगे. ये हो गया ड्राइंग सेटिंग. फ्रेंड्स यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर सरफेस में और यहाँ से बहुत सारे सरफेस क्रिएट सरफेस, क्रिएट सरफेस फ्रॉम डेम डेम फाइल उसे भी आप कर सकते हैं. क्रिएट सरफेस फ्रॉम पॉइंट क्लाउड, क्रिएट सरफेस फ्रॉम थिन, तो GIS डेटा मुख्तलिफ किस्म के आप बना सकते हैं यहाँ से. लेकिन हम यहाँ से पहला वाला जो ऑप्शन है क्रिएट सरफेस को सेलेक्ट करेंगे और इस यहाँ पर हम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम सरफेस, यहाँ पर हम नेम लगा देंगे सरफेस 1 और यहाँ से आप स्टाइल भी कर सकते हैं कंटूर, जो कंटूर इंक्रीमेंट होगा यहाँ से 2 इंटर मीटर. यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से 1 इंच 5 मीटर. बहुत सारे ऑप्शन है इसमें लेकिन यहाँ से मैं यही रहने देता हूँ. यहाँ से रेंड मटेरियल, यहाँ से भी सेम ऑप्शन, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं वाइप लॉक बाई लेयर. मैं इसको यहाँ से इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ. जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे ये टूल स्पेस का जो यहाँ से आप आ जाएंगे यहाँ पर ये जो प्लस वॉल्यूम है सरफेस पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये जो सरफेस 1 का नाम होंगे थे यहाँ पर अपीयर हो गया. इसको ओपन करेंगे यहाँ से ये डेफिनेशन इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पॉइंट फाइल यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं. ये हो गया यहाँ से आप भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से जाएंगे मॉडिफाई में, यहाँ से भी आप कर सकते हैं. इधर से आप देख सकते हैं ये एड डेटा का ऑप्शन यहाँ से और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं. हमारे पास पॉइंट फाइल है तो पॉइंट फाइल हम सेलेक्ट करते हैं. ये दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं. यहाँ से प्लस वन निशान, यहाँ से ये एक फाइल पड़ा हुआ है हमारे पास CSV फाइल है यहाँ पर 123 के नाम से मेरा प्रॉपर. इसको ओपन करते हैं इम्पोर्ट हुए. यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन टिक का निशान, ये यहाँ से हम चेंज करते हैं ईस्ट नॉर्थ पॉइंट नंबर, ईस्टिंग नॉर्थिंग पॉइंट नंबर और जेड.
पर और यहाँ से ओके करते हैं। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गए हैं पॉइंट, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम करेंगे जेड एंटर एंटर सरफेस, आप देख सकते हैं सरफेस सरफेस क्रिएट हो गया। तो सरफेस क्रिएट हो गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये कंटूरिंग। अभी इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर लेबल लगाने हैं। लेबल के लिए हमें ताकि हमें पता चले कि क्या क्या कौन कौन से कंटूर का क्या क्या एलिवेशन है, उसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा इधर। ये जो एनोटेट का ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एड लेबल, यहाँ से आएंगे सरफेस और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंटूर मल्टीपल इंटरवल। ये अभी पूछ रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये आखिर पे आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरवल अलॉन्ग कंटूर 100 मीटर पे आपको टेक्स्ट दे दें, तो आप यस करते हैं। यहाँ से ये थोड़ी देर में लगाना है, ये लेबल लगा देंगे, मिलकर लगा दिए सारे लेबल। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसका एलिवेशन बता रहे हैं, यहाँ से कौन कौन से कंटूर का 254 पॉइंट, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.52। यहाँ से आप देख सकते हैं 2.56। अगर हम इसको और ज़्यादा नज़दीक करते हैं तो वो भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था आज का टॉपिक।